नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी। आपके साथ मैं हूं रूप नारायण शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास पर सपरिवार कृषि यंत्रों की पूजा कर प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खेती, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पारंपरिक गाजे बाजे के साथ पूजा संपन्न की गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ संस्कृति की महक झलक रही थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने भी मौजूद रही। पूजा समाप्ति पर लोक गायकों ने सुंदर प्रस्तुति दी। इसके बाद मुख्यमंत्री अतिथियों से भी मिले। दंतेवाड़ा में विधायक देवती कर्मा और जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा पर भाजपा जिला अध्यक्ष सीताराम अटामी ने आरोप लगाए हैं। विधायक देवती कर्मा ने सवाल किया है कि तेंदुपत्ता हितग्राहियों का पूरा भुगतान क्यों नहीं किया गया, संग्राहकों की बाकी रकम को किसने गबन किया। इसका जवाब विधायक देवती कर्मा को तेंदुपत्ता संग्राहकों को देना चाहिए। अटामी ने कहा कि नगद भुगतान के नाम से कांग्रेस सरकार संग्राहकों का पैसा डका रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को उनकी मेहनत का पैसा दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। दंतेवाड़ा जिला में ग्राम पंचायत बड़े कारली में हमारे दंतेवाड़ा के विधायक श्रीमती देवती महेंद्र कर्मा और जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा के द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान के लिए बड़े कारली गए और जंगल पारा के कुछ लोगों को भुगतान किया गया है। बुक्को भाई पीडोराम 210 गड्डी पत्ता बेचे हैं और उनका भुगतान 840 रुपया होना था। देवती कर्मा के द्वारा मात्र 400 रुपये ही उनको भुगतान किया गया। रायपुर में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हरेली पर्व मनाया। छत्तीसगढ़ी परिधान हरी साड़ी पहनकर पहुंची महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हल और कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की। महिला खेल भी खेले गए। महिला मोर्चा के आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू भी शामिल हुए। छुरिया के ग्राम बोईरडही के पुल के पास दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में चार लोगों की मौत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि चारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हुए चारों के शवों को पुलिस ने मोर्चरी में भिजवाया। बिलासपुर में एक ही परिवार की तीन बच्चियों की अरपा नदी में डूबने से मौत हो गई। सेंद्री इलाके में तीन बहन नदी में नहाने गई थी। तीनों बहनों का शव निकाला गया। पूजा पटेल, धनेश्वरी पटेल, रीतु पटेल थी। अरपा नदी में रेत के अवैध खनन से बने गड्ढे में डूबने के कारण मौत हो गई। रेत के अवैध खनन के कारण नदी में गड्ढा बन गया और मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया है। जौनपुर जिला पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। राम कैलाश यादव की हत्या करने वाले तीन अभियुक्तों से धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। वारदात को अंजाम देने के लिए बाद से ही तीनों आरोपी फरार चल रहे थे। तीनों आरोपियों को पुलिस ने सिरोली मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। ग्राम कठार सेहरा निवासी राम कैलाश यादव की दिनांक 7 जुलाई 2023 की सायंकाल हत्या कर दी गई थी और दिनांक 10 जुलाई 2023 को इसकी डेड बॉडी मिली थी और 13 जुलाई को उसकी पहचान हुई थी।
पहचान होने के बाद तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था और इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में इस घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त मुख्य अभियुक्त। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख त्यौहार हरेली धूमधाम से मनाया गया, जिसको लेकर किसान सुबह से ही आज कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना करने में जुट गए। नागरिकों पर रापा सहित अन्य कृषि उपकरण की पूजा पाठ करते किसान नजर आए। घरों और खेतों में किसान भेलवा महुआ और नीम की डाली लगाते हैं। इसके लगाने से धान की फसल में कीट और घर में नकारात्मक प्रभाव से बचा जाता है। पूजा में किसान चीला और नारियल का भोग लगाते हैं। हरेली पर्व को किसान प्रमुखता से मनाते हैं। कृषि के शुरुआती दिनों में खुशहाल खेती के लिए किसान पूजा अर्चना कर अच्छी खेती और अच्छी फसल की कामना करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के मंशानुसार छत्तीसगढ़िया पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक समृद्धि के बचाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुरुआत की गई, जिसमें स्थानीय प्रशासन की टीम मौजूद रही, जिसमें मुख्य रूप से नगर पंचायत सीईओ हंसा ठाकुर और जनपद पंचायत सीईओ विजय नारायण तिवारी समेत समस्त राज्य युवा मितान क्लब के सदस्य उपस्थित थे। ओलंपिक में फुगड़ी, गेडी, बांटी, पिट्ठुल, रस्सा खींच, खो खो, कबड्डी जैसे खेलों का आयोजन किया गया और स्थानीय प्रशासन ने वृक्षारोपण भी किया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का भी शुभारंभ हो रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारी पारंपरिक तीज त्योहार खेल विलुप्त सा होते जा रही थी, उसी को हमारी सरकार के द्वारा पुनः नए सोच के साथ शुभारंभ किए जा रहे हैं। खो खो, कबड्डी, गेड़ी, फुगड़ी, सारे जो हमारे गांव के खेल हैं अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में खेले जाएंगे।